वेलकम बैक टू माय चैनल रॉनीज़ हेल्दी किचन। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, पालक के पराठे की रेसिपी, जो कि मैंने दो तरीके से बनाई है। इसमें आप सब देख सकते हैं, दो तरीके से मैंने यहाँ पे आधा किलो पालक लिया है और मैंने इसे आधा आधा कर लिया है, 250 ग्राम एक साइड और 250 ग्राम एक साइड। मैंने एक गड्डी ली थी पालक की, मैंने पालक के पत्ते को अलग कर लिया डंठल से और अब मैं इसे धुल के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे धुल लिया है दोनों बर्तन में। मैं एक दूसरे तरीके से बनाऊँगी और दूसरे तरीके से बनाऊँगी। मैंने एक को कट करके बनाया है, एक को मैं ब्लांचिंग प्रोसेस से करके बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी एक को कट कर लिया है और इसको मैंने ब्लांचिंग प्रोसेस से करना है। अब मैं जा रही हूँ इसको ब्लांचिंग करने। पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब पानी मेरा उबल रहा है, गर्म हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें पालक को डाल रही हूँ। मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही बस पकाऊंगी, उसके बाद से मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इसे ब्लांचिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसकी हरियाली कम ना हो, ज़्यादा ये गल जाएगा तो ये काला पड़ जाएगा और ये हरा ही रहे तभी हम इसे निकाल लेंगे बाहर और इसके पानी को निकाल के अच्छे से साइड कर देंगे। किसी भी चिमटे की मदद से और किसी भी स्पैचुला से आप निकाल सकते हैं, तो बस इसकी पानी को साइड कर देना है और हमें ठंडे पानी में इसे डालना है और हमें तुरंत इसको निकाल लेना है बाहर। इस तरीके से करने से हमारा पराठा बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पे इसे ग्राइंड करने के लिए जार में डाल रही हूँ। मैं इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ 1 से 1.5 इंच और मैंने 6 से 7 कलियाँ ली है लहसुन की और हरी मिर्च 6 से 7 मैंने अपने तीखा, आपको जितना भी रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अब मैं आटे को गूंथ लेती हूँ अच्छे से, आटे की डो बना लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, 2 प्याली आटा लिया है। मैं इसमें पेस्ट को ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे अच्छे से पलट लेती हूँ। अब मुझे इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है। बेसन आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर बेसन से क्रंचीनेस अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है, थोड़ा सा अजवाइन मैंने क्रश करके डाल दिया है हाथों से। अब मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूंगी, मैं इसे इसी पेस्ट से मैं गूंथ लूंगी, इसकी डो बना लूंगी अच्छे से। देखें आप, डो बन गई है इसकी। अब मैं दूसरे पराठे के लिए दूसरे तरीके से आटे को गूंथने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे 2 कप आटा ले लिया है, यानी कि 2 प्याले आटा लिया है। मैंने थोड़ा सा अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है और फिर जीरे का पाउडर डाला है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और अब इसमें मैं थोड़ी सी तेल ऐड कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ इसको अच्छे से खस्ता करने के लिए। अब मैं इसमें पत्ते को डाल दे रही हूँ जो मैंने कट करके रखी थी। अच्छा, इसमें मैंने मिर्चे का पेस्ट बना के रख लिया था, मैंने दिखाया नहीं है, तो मैं मिर्चे को पेस्ट बना के रख ली थी तो वो मैंने डाल दिया है। अभी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चे और नमक। अब मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस कर लिया था। अब मैं इसमें ऐड करके अब इसे अच्छे से गूंथ लूँगी।
इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें थोड़ा सा पानी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। तो हम इसे अच्छे से गूँथ लेंगे हल्का हल्का पानी डालते हुए। देखें आप, मेरा डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। अब मैं चटनी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती ली है, अदरक, लाल मिर्च, लहसुन की कलियाँ 3-4 और नमक। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। देखें आप सब देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है ये। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं बाउल में। अब मैं इसमें नींबू ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नींबू ऐड करने से आपका चटनी का टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है, काफ़ी मज़े का लगता है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करके अब साइड कर दूंगी। चटनी हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने आटे को, मैंने डो को जो रखा था, अभी मैं उसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसकी लोई बना रही हूँ। लोई बनाने के बाद मैं 2-3 तरीके से मैं इसके पराठे बना के दिखाऊँगी। मैंने 3 कोने पराठे भी बनाए थे और चौकोर पराठे भी बनाए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 तरीके के पराठे बनाने जा रही हूँ। एक तो मैंने दूसरा डो तैयार किया है दूसरे तरीके से और एक दूसरे तरीके से। तो पहला वाला जो मेरा तरीका था वो मैंने पेस्ट किया और दूसरा कट करके। तो अब मैं इसकी लोई बना ले रही हूँ। लोई बनाने के बाद मैं इसे बेल के दिखाती हूँ। मैंने 2 तरीके से पराठे को बनाया है। मैं पहला तरीका जो है वो मैं बेल के दिखाती हूँ। मैंने पहले गोल रोटी बेल ली है अच्छे से। अब हमें इस पे तेल लगा लेना है पूरा इक्वली। अब हम इसे आधा इस साइड से मोड़ते, फिर आधा उस साइड से, फिर इस साइड से, फिर उस साइड से, इस तरीके से करके हम चारों तरफ के कॉर्नर को मोड़ लेते हैं। उसके बाद से हम इसे बेल लेंगे। ये हमारा चौकोर पराठे बेलने का एक पहला तरीका हो गया। अब मैं दूसरे तरीके से पराठे, जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मैंने आधे आधे को एक एक चढ़ा दिया है। उसके बाद से मैं 2 फोल्ड कर दे रही हूँ। उसके बाद से मैंने यहाँ पे साइड साइड को उसको दबा लिया था अच्छे से। अच्छा, देखे बहुत ही परफेक्ट चौकोर पराठा तैयार है। अब मैं ये तिकोना पराठा बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे रोटी गोल बेल लेनी है, उसमें यहाँ पे ऑयल ऐड करनी है, पूरे ऑयल को अच्छे से फैला लेना है। फिर हमें ऑयल ऐड करनी है आधे करने के बाद, फिर हमें फोल्ड कर देना है। इस तरीके से करके हम 3 कोने पराठे को भी बेल लेते हैं। अब मैं दूसरे पराठे को बेलने जा रही हूँ, जो दूसरे टाइप का है। तो वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका टेक्सचर और इसका लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है मुझे। और इस पे जो पत्ते दिखते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं पत्ते कट करके डालने की वजह से। अब मैंने यहाँ पे तवे को गर्म कर लिया था। मैं इस पे मैंने पराठे को डाल दिया है। पराठे को मैं थोड़ा सा पकने के बाद मैं पलट दूंगी। मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था ताकि चिपके ना। अब मैं इसे पलट पलट करके, आपको थोड़ी देर में ही पलट लेना है, आपको 3-4 राउंड पलटना है। उससे क्या होता है, पराठे अच्छे फूलते हैं। आपको पलट पलट करके हमें अच्छे से ऑयल को लगा लेना है। अब हमने यहाँ पे किसी भी स्पैचुला की मदद से हमें इसे दबा करके
सेक लेना है अच्छे से। अब मैं चौकोर वाली पराठे को दिखा रही हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा सा नीचे से हार्डनेस हो जाए तब हम इसे पलट देंगे, और हमें इसे पलटने के बाद फिर थोड़े देर में इसे वापस से पलटना है। आप सब देख सकते हैं इतना अच्छा फूल रहा है ये। अब हमने इसमें तेल लगा लेना है पलट पलट करके। अच्छा, आप पराठे बनाने के टाइम ध्यान रखें कि आप ज़्यादा टाइट ना करें उसे, हल्का हल्का पे पलट दिया करें टाइम से, तो पराठे फूल जाते हैं। अब मैं इसे पलट करके तेल लगा ले रही हूँ अच्छे से। आप सब देख सकते हैं ये पराठा फूल भी रहा है और बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट भी बना था इसका। बहुत ही अच्छे पराठे बने थे। आप सब देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब मैंने दूसरे तरीके का पराठा जो बनाया उसको मैं सेक के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये इसका लुक ज़्यादा अच्छा होता है और खाने में भी मज़े का लगता है ये। अगर मेरे पराठे की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक करें, मेरे रेसिपी को फॉलो करके आप बना सकते हैं, और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपका कैसा बना है, और मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दोनों में से किसी तरीके से भी पराठे बना के देखें, बहुत ही लाजवाब लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें प्लीज़, और रिक्वेस्ट है कि आप शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना है। जिसने भी ट्राई किया हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, अगर आप सबको चटनी से पसंद नहीं आती तो आप टमाटो केचप ले लें, या फिर आप टमाटो केचप से अच्छी नहीं लगती तो आप चटनी बना के इस तरीके से खाएँ, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और बहुत ही लाजवाब दिखता है। आप सब देखें कितना परफेक्ट तैयार हुआ है ये, बिल्कुल ही आपको मज़े का टेस्ट लगेगा। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, यानी कि नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।